पूर्व सीएम रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में हुए भ्रष्टाचार की जांच होगी। उन्होंने ये भी कहा कि फाइलों पर बैक डेट में हस्ताक्षर किया जा रहा है, जो भी सीएम बनेगा इसकी विवेचना करेगा। रमन सिंह का ये भी कहना है कि सरकार के गठन तक नए निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं, लेकिन आगे होने वाली कार्रवाई को लेकर संकेत जरूर दिया है रमन सिंह। पूर्व सीएम रमन सिंह की तरफ से ये बड़ा बयान, साथ ही साथ ट्वीट के जरिए भी इस ओर संकेत के आने वाले समय में सख्त कार्रवाई पिछली सरकार पर भी कर सकते हैं। जो प्रशासनिक क्षेत्र से ये जानकारियां छन के आ रही थी और वो चिंताजनक है प्रदेश के लिए कि 3 तारीख के डेट में कुछ वित्तीय विषय को लेकर और कुछ अन्य विषय को लेकर फाइलें बैक डेट में कराई जा रही है और इसमें काफ़ी सारी फाइलें जो 3 तारीख के बाद जो साइन की गई है बैक डेट में, वो मैं समझता हूं कि सरासर गलत है और उचित नहीं है। उसकी एक बार जो भी मुख्यमंत्री बनेगा छत्तीसगढ़ में उसकी विवेचना तो करेगा, मगर मुझे लगता है कि ये ऐसा समय है कि जब तक सरकार का गठन न हो जाए कोई नए निर्णय लिए नहीं जा सकते, कोई नए आदेश जारी हो नहीं सकते और ऐसे कार्यकाल में वो अधिकारी जो आज भी पुराने जितने भी किए हुए काम हैं उसको सही साबित करने में लगे हुए हैं, उनको मैं स्पष्ट चेतावनी दी। और अब कांकेर का जिक्र करेंगे जहां इनामी नक्सली गिरफ्तार हो चुका है। छत्तीसगढ़ से लगी महाराष्ट्र सीमा पर नक्सली की गिरफ्तारी हुई है और नक्सली पर 2 लाख का इनाम घोषित था। सीआरपीएफ और विशेष पुलिस बल की निगरानी कर रहे नक्सली को सर्चिंग के दौरान पकड़ा गया है। गढ़चिरौली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार नक्सल सक्रियता जिसे लेकर जानकारी कांकेर से सामने आ रही है। इससे पहले भी चुनावी समय होने के चलते भी नक्सली की सक्रियता बढ़ी, लेकिन एक बार फिर से सर्चिंग तेज की गई है जवानों की तरफ से। गढ़चिरौली पुलिस सुरक्षा बल के जवान लगातार कोशिश करते हुए कि जितने भी नक्सली सक्रियता दिखा रहे हैं उनके क्षेत्र में पहुंचकर उन्हें पकड़ा जाए। और एक और बड़ी सफलता, इनामी नक्सली जिसके सर पर 2 लाख रुपए का इनाम था उसे पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। लगातार नक्सल गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश, उनके स्मारकों को ध्वस्त करने का प्रयास सुरक्षा बलों की तरफ से किया जाता है। महाराष्ट्र सीमा पर गिरफ्तार किया गया है। सर्चिंग ऑपरेशन अलग अलग सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार जारी है। कांकेर को लेकर यह सूचना है। इससे पहले भी नक्सली घटनाएं यहां से सामने आती रही और एक बार फिर से जब बौखलाहट नक्सलियों के सामने आ रही है तो दूसरी तरफ जवान भी जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये दर्शाता है ये सिलसिला जिसमें कार्रवाई के दौरान 2 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग नक्सली जिनसे अपील भी की जाती है कि मुख्यधारा से अगर जुड़ते हैं तो सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिलेगा, लेकिन नहीं मानने पर इस प्रकार की कार्रवाइयां होती हैं। नक्सली सामग्री जब्त की गई, 2 लाख का इनामी नक्सली अब सुरक्षा बलों की गिरफ्त। तो 2 लाख के नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जवानों की ओर से चलाया जाता है और इसी तरह के बड़े नक्सली पकड़ाए जाते हैं और इसी बीच ये 2 लाख का इनामी नक्सली जो है इसकी गिरफ्तारी हुई है महाराष्ट्र सीमा पर। महाराष्ट्र सीमा से इसे गिरफ्तार किया गया है। इस पर 2 लाख का इनाम घोषित था और सर्चिंग के दौरान ये पकड़ा गया। महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना तमाम सीमावर्ती इलाके, इन तमाम राज्यों के जहां पर नक्सली सक्रियता बढ़ने के साथ साथ सुरक्षा बलों की तरफ से एक्शन भी। चलिए सीधे आपको कांकेर लिए चलेंगे, जैसे कि खेम नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खेम नारायण, इस कार्रवाई को लेकर तो सूचना दीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ जो सक्रियता नक्सलियों की बढ़ रही है उसके खिलाफ कोई खास रणनीति सुरक्षा बलों की? जी देखिए, इस वक्त जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, कांकेर कह लीजिए, नारायणपुर जिला कह लीजिए और साथ में जो सीमावर्ती राज्य है महाराष्ट्र
के जो गढ़चिरौली और चंद्रपुर जैसे जो जिले हैं वो जाकर कहीं ना कहीं जो है महाराष्ट्र और तेलंगाना के सीमा से मिलते हैं। और इस वक्त जो है नक्सली जो है अभी वर्तमान में 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक पीएलजी जीए सप्ताह मनाने का जो है अपील कर रहे हैं और जो है लगातार जो है इन क्षेत्रों में नक्सलियों द्वारा कोई ना कोई बड़ा कारनामा को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सुरक्षा की अगर बात करें तो जो सुरक्षा बल के जवान हैं और जो लोकल जिला पुलिस बल के जो जवान हैं जिनका स्पेशल फोर्स गठित किया गया है वो जंगलों में लगातार अपना सर्चिंग अभियान तेज किए हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्हें बड़ी सफलता मिलती है कि क्षेत्रों से जो है आईईडी बरामद किए जाते हैं तो सूचना के आधार पर कई नक्सलियों को जो है पकड़ने में भी उन्हें बड़ी सफलता मिल रही है। वहीं महाराष्ट्र के जो गढ़चिरौली जिला पुलिस को जो है कल 2 लाख के इनामी नक्सली महेंद्र किस्तैया को पकड़ने में कामयाबी मिली है और महेंद्र किस्तैया जो है सर्चिंग पार्टियों के निगरानी के लिए नक्सलियों द्वारा भेजा गया था और निगरानी करते हुए उसे जो जवानों ने पकड़ लिया है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और एक तरफ नक्सल समस्या को लेकर आपको जानकारी दे रहे थे, इधर बात राजनांदगांव की भी कर लेते हैं जहां पर अपराधी बेलगाम है। लूट के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 3 आरोपी जिनमें से नाबालिग भी हैं। लूट की रकम, मोबाइल, बाइक जब्त किए गए हैं। बता दें राहगीरों को लूटा करते थे ये सब। लालबाग थाना के फरहत चौक का ये पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जहां से लूट के 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 3 आरोपी इसमें नाबालिग बताए जा रहे हैं। लूट की रकम भी इनसे बरामद की गई है, साथ ही साथ मोबाइल बाइक जब्त किया गया है। राहगीरों को लूटने का काम ये किया करते थे। लालबाग थाना के फरहत चौक का ये पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी कर ली है और जो भी इनके पास लूट का सामान था वो भी जब्त कर लिया है और पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है, पूछताछ हो रही है। तो अभी तक कहाँ कहाँ लूट की वारदात को अंजाम दे चुके थे और कितनी सक्रियता थी, कौन कौन इनके साथ शामिल रहता था, सभी पहलुओं पर अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल इन सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 इसमें नाबालिग बताए जा रहे हैं। इनके पास से लूट की रकम, मोबाइल और बाइक भी जब्त की गई है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। राजनांदगांव से बड़ी खबर की बात करते हैं। पुलिस ने बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है, एक लग्जरी गाड़ी भी जब्त की गई है। और आपको बताएं कि पुलिस को देखकर आरोपी चालक वहां से फरार हो गया। लग्जरी गाड़ी से शराब मिली है। मोहारा पुलिस चौकी के करेला का यह पूरा मामला, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। राजनांदगांव से एक और आपराधिक घटना, लग्जरी गाड़ी जब्त की जा चुकी है, अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, बड़ी मात्रा में मिला। और अंग्रेजी शराब का उस समय मिलना जब उसके बाद तमाम सवाल कनेक्शंस को लेकर खड़े हुए। तो पुलिस को देखकर आरोपी चालक फरार हो गया। तस्करी कौन कर रहा था, कहां तक ले जानी थी, कहां खपानी थी ये शराब, ये प्रमुख सवाल हैं। पुलिस इन सवालों के जवाब ढूंढने में जुटी हुई है। लग्जरी गाड़ी से शराब पाई गई, मोहरा पुलिस चौकी के करेला का यह पूरा मामला, जानकारी पुलिस की तरफ से जुटाई जा रही है।